नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने के बयान के बाद उत्तराखंड में भी महिला कांग्रेसियों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की मांग की है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड में 2022 को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए गुड़ा भाग में जुट गए हैं। और राज्य में महिलाओं के बड़े वोट बैंक को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने की मांग उठी है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने वाले बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी महिलाओं को टिकट दिए जाने की मांग उठ रही है। महिला कांग्रेस का चेहरा अनुपमा रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को उत्तराखंड में भी टिकट दिए जाने की पुरजोर वकालत की है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा और बहुत संघर्षशील और बहुत ही मजबूत इतिहास हमारी महिलाओं का उत्तराखंड का रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बातों को ध्यान रखते हुए हमारी बहनों को नेतृत्व दे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल वोटरों की संख्या लगभग 78 लाख के आसपास है, जिसमें से महिला वोटर की संख्या देखें तो 37,58,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस बड़ी संख्या में महिला वोटरों को देखते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने पर कांग्रेस विचार कर सकती है। इन सबके बीच उत्तराखंड बीजेपी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल देवस्थानम बोर्ड से राज्य के करीब 25% ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस नाराजगी को सिरे से नकार रही है, वहीं दलित वोटरों को रिझाने के लिए भी बीजेपी और कांग्रेस गुड़ा भाग में जुटे हैं। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर जाकर खाना खाया। माना जा रहा है कि दलित वोटरों को रिझाने के लिए सीएम ने ऐसा किया था, जबकि कांग्रेस ने भी इसी की काट में गांव-गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए कांग्रेस दलितों को रिझाने में जुटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है और स्पष्ट नीति है, और निश्चित रूप से जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो देवस्थानम बोर्ड के बारे में उनके मन में विवाद था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसमें सभी की राय लेकर और किसी का अहित न हो उसके लिए कमेटी का गठन किया और उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। हमारे वरिष्ठ नेता मनोहर कांत जानी जी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई और उसका जो निर्णय आएगा वो सबके हितों का ध्यान रखकर ही आगे उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुचलेबाजी है, नाटक है। अरे, आप दलित के यहाँ खाना खाने गए तो उनके थाली में खाना क्यों नहीं खाया, उनके गिलास में पानी क्यों नहीं पिया? कागज़ के गिलास में पानी पीना, कागज़ के गिलास में खाना खाना, ये तो आपका ढकोसला है। देखिए, कमेटी तो नाटक है। अरे, देवस्थानम बोर्ड जिनके लिए आप बना रहे हैं, कम से उनसे पूछ लिया होता। बिना स्टेक होल्डर से कोई काम, कोई कानून बनाना, कोई नियम बनाना, ये तो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया ही क्या है 21 साल में उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए जितने भी काम हो सकते थे उन्होंने वो सब किए, चाहे जातिवाद हो या दूसरे अन्य मुद्दे हों। ये चुनाव के समय पर ये जानबूझकर उछालते हैं ताकि जो अहम मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जनसरोकार के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन सबको भुलाया जा सके। तो क्या चुनाव में बीजेपी को देवस्थानम बोर्ड का फैसला नुकसान पहुंचाएगा? क्या कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने वाले फॉर्मूले पर अमल करेगी? क्या दलितों के घर खाना खाने से दलितों का वोट बीजेपी को मिलेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार सबको है। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट।
डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और आज एक बार फिर ये साबित हो गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चमोली के नंदप्रयाग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार स्वर्गीय राधा कृष्ण वैष्णव और स्वर्गीय चंद्रावती वैष्णव की पुण्यतिथि पर शनिवार को निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर हर साल वैष्णव परिवार की ओर से आयोजित किया जाता है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में 1500 मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। साथ ही शिविर के आयोजनकर्ता नोएडा में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर गिरीश चंद्र वैष्णव ने बताया कि शिविर में नोएडा से 21 विशेष चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। मरीजों की जांच भी निःशुल्क की गई। वाकई ये इंसानियत की एक मिसाल पेश करता है, क्योंकि देवभूमि परिजन में इन डॉक्टरों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए इस कैंप का आयोजन किया ताकि देवभूमि के लोगों की सहायता वो कर सकें। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चमोली में निशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरह से ये शिविर का आयोजन किया गया, वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जब शिविर का आयोजन किया जाता है तो सरकार या तो श्रेय लेने की कोशिश करती है या फिर कोई संस्था अपना नाम जोड़ने की कोशिश करती है इससे। बिल्कुल, देखिए पारुल, आपने सही कहा, सही आपके स्क्रिप्ट में था कि डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, तो उसका जीता जाता उदाहरण आज जनपद चमोली का जो दूरस्थ इलाका है, नंदप्रयाग एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनके परिवारजनों ने जिस तरह से यहाँ पे जो निःशुल्क जो शिविर यहाँ पे लगाया है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो किसी की भी सरकारें हों पारुल, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से सरकारें दावे करती हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो नोएडा से जो 21 डॉक्टर जो जनपद चमोली में अपना जो एक दिन का जिन्होंने शिविर लगाया था यहाँ पे 15, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ पारुल कि जिस तरह से यहाँ पे मरीजों का हुजूम, हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आए हुए थे लोग, क्योंकि इतनी भीड़, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ पहुंचे थे, नंदप्रयाग में पहुंचे थे जहाँ पे कैंप लगा था, इनको यहाँ पे ना पानी पीने तक की फुर्सत, चाय पीने तक की फुर्सत, यहाँ तक कि खाना खाने तक की इन लोगों को फुर्सत, निस्वार्थ भावना से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अपना काम यहाँ पे कर रहे थे। और डॉक्टरों को कहा जा सकता है कि चाहे शासन या प्रशासन जनता की सुध ले ना ले, लेकिन जिस तरह से देवभूमि के जो डॉक्टर है, भले ही अब वो देवभूमि में रहकर काम नहीं करते, लेकिन आज भी उन्हें अपनी जनता की सुध लेने की जो है वो याद आती है, उनको याद आता है कि हमारे देवभूमि की जनता परेशान है, तो उन्हें किसी भी तरीके से मदद की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल पारुल, सही कहा आपने कि जो डॉक्टर चाहे यहाँ पे कार्यरत न हो, अपने अपने जो नोएडा से यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जो गढ़वाल का एक वातावरण होता है, क्योंकि समय ठंडा भी समय अधिक जो है जनपद चमोली में देखने को मिला है, तो अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से यहाँ पे दे रहे हैं। किसी का यहाँ तक कि आपको यकीन ना हो कि 1500 से ऊपर लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था 8 बजे से शुरू हुआ था और 4 बजे तक का जो आंकड़ा है 1500, उसके बाद 750 लोगों का जो है परीक्षण जो है, चाहे वो आपका कोई भी मरीज हो, तमाम सारे मरीजों को हमने यहाँ पे बहुत कोशिश करी डॉक्टरों से बात करने की, जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि हम इनसे बात करें, लेकिन डॉक्टर लोग इतने बिजी थे कि उनको जो कहते हैं कि जो दायित्व या हम इसको कहते हैं जो जी जान लगा के जो डॉक्टर जो इन लोगों को देख रहे थे, जो पुष्कर कोई भी इन डॉक्टरों को प्रचार प्रसार करने का कोई भी वो नहीं था, लेकिन इसीलिए उनका सिर्फ मेन मकसद ये था कि किसी भी तरह वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ की जनता को अपनी सुविधाएं दे सके। बिल्कुल बिल्कुल पारुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि डॉक्टरों की जो थीम होती है, डॉक्टरों की जो सोच होती है, अपने जो मरीज हो उनका मरीज ठीक हो जाए, उनके मरीजों की जिस तरह से सुविधा दी जाए या दवाइयां दी जाए, पारुल मुझे भी जो है जनपद चमोली में रहे हुए 32-33 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा शिविर या कभी ऐसे डॉक्टर जो यहाँ पे पहुंचे हुए निस्वार्थ भाव से यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, डॉक्टरों जो मरीज यहाँ पे पहुंचे उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे कि मानो कि ये इनके जो मरीज इनको जो मरीजों से ये वार्तालाप कर रहे थे, अपनी पूछ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों का इनका ये डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी हमने किसी मरीजों से बाहर बात करने की कोशिश करी तो डॉक्टरों की तरफ उनका भी ये रुझान था कि सबसे बढ़िया कैंप और सबसे अच्छे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर और मरीज का एक जो
बात करने का तरीका होता है या आधी बीमारी तो वैसे ही समाप्त हो जाती है यदि डॉक्टर प्यार से बोले या डॉक्टर प्यार से देखे, तो कहीं ना कहीं भगवान का रूप डॉक्टर को माना जाता है। तो उसको जो है आज हमने जनपद चमोल के ननत्याग में जो यहाँ पे एक शिविर लगा था, निस्वार्थ भाव से जो शिविर यहाँ पे लगा हुआ था, भले बसरते यहाँ पे नमोनिया की शिकायत वाले डॉक्टर मरीज भी आए थे, उनका भी यहाँ पे इलाज किया गया, उनको दवाइयाँ दी गई और उनके साथ वार्तालाप की गई। यहाँ तक की सबसे बड़ी बात पारुल, यहाँ पे डॉक्टरों जो 21 डॉक्टर जो है जनपद चमोली में जो नोएडा से पहुंचे थे, केवल उन घरेलू इलाज सबसे ज्यादा जो यहाँ पे घरेलू इलाज के लिए जो है यहाँ पे प्रेरित किया गया, और खान पान जो हमारा जो गढ़वाल का खान पान होता है उसके लिए इन डॉक्टरों ने यहाँ पे इन लोगों को जो मरीज यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो आपके ब्लड प्रेशर के मरीज हों, चाहे वो शुगर के मरीज हों, चाहे वो तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जनपद चमोली को जिस तरह से आज जो है यहाँ पे डॉक्टर जो नोएडा से 21 डॉक्टर यहाँ पे पहुंचे थे, सराहनीय कार्य भी किया है और जनता इनका धन्यवाद भी करेगी। और पारू सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो है जो कार्यक्रम जो है अभी भी चल रहा है यहाँ पे, और अभी भी इन लोगों को जो है जो डॉक्टर यहाँ से बाहर से यहाँ पे पहुंचे हुए थे अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे थे, इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें कोई भी हो, लेकिन हमने आज तक चाहे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में सरकार श्रेय लेना चाहती है या अदर पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये श्रेय लेना चाहती है, लेकिन इन डॉक्टरों का जो मन या इन डॉक्टरों का जो इलाज करने का तरीका जो हमको यहाँ पे देखने को मिला, तो हमें वाकई ऐसा लगा कि जिस तरह से डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है वो हमें आज यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में जो है ननत्याग में देखने को मिला जी, है। बिल्कुल पुष्कर, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको ये भी बता दें कि अभी तक भी इस शिविर में वहां पर डॉक्टर भी मौजूद है और जनता भी पहुंच रही है। साथ ही शिविर के आयोजककर्ता नोएडा के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर गिरीश चंद्र वैष्णव ने अपने बताया शिविर में कि नोएडा से 21 विशेष चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं इस निःशुल्क जो कैंप लगाया गया था इसमें दी थी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। राफेल डील का जिन एक बार फिर से बंद बोतल से बाहर निकल आया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर अटैकिंग मोड में दिख रही है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार CBI और ED के जरिए पूरे मामले को ढांक रही है। मॉरिशियस सरकार के दस्तावेज से मोदी सरकार का घोटाला खुल गया है। CBI और ED मोदी सरकार की कठपुतली है। देखिए वो लकड़ी के घोड़े पर ऐसे 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 करके वीरांगना बन गई हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं आजादी का मतलब क्या है। कितने मतलब मैं कुछ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, मतलब मैं ये तो नेता मैंने गिनाए, हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और ये मोहतरमा कह रही है कि हमें आजादी भीख में मिली है। मैं तो कहती हूँ इन्हें पद्मश्री भीख में मिला है इसीलिए कि ये इस तरीके के बयानबाजी करते रहे। तो एक वो भाजपा की कोई युवा नेता है, वो कह रही थी 99 साल की लीज पर आजादी मिली है, ये कह रही है कि 2014 में आजादी मिली है। तो इस तरीके की मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये जो बगुला भगत हैं, जो नकली पोथी पढ़ने वाले हैं और जो केवल एक अंधभक्ति का, संघ भक्ति का एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहने वाला है। एक और राज्य सरकार तमाम सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द कराने की बात कह रही है, तो वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस BJP के इस कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने BJP पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ इतना बता दे कि किस किस विभागों में नौकरियां दी गई हैं, अगर सरकार बता देती है तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देंगे। जी छोड़ दूंगा, ये बताएं कि इन्होंने 3200 फला एरिया में फला लोगों को दिया है, फला विभाग में दिया है, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्याचन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। आज से क्या संदेश? 8 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, ये मैंने आंकड़े वाइज विधानसभा में भी रखे थे,
जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, आज भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी बैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसी के साथ ही हरीश रावत और यशपाल आर्य ने बद्री विशाल का अभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु हर दिन बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं और वहाँ पर पूजन अर्चना भी कर रहे हैं। जीवन की सबकी आकांक्षा रहती है, भगवान बद्रीनाथ की शरण में है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा की आकांक्षी है। लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो, हमारी पार्टी का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, यही कामना है। देखिए, आज मेरा परम सौभाग्य है और बद्री विशाल जी की महान कृपा रही है मुझसे ऊपर, मुझे उनके चरणों में नमन करने का, मैं प्रणाम करने का अवसर मिला है। यह बद्री विशाल जी की महान कृपा है उस जगह पर हम सभी साथियों के पास, और उनके श्री चरणों में प्रणाम करने से एक ऊर्जा का संचार हुआ है। कंगना रनौत के 2014 में मिली आज़ादी वाले बयान पर गुस्साई महिलाएं कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई कंगना रनौत की शिकायत की है। महिला कांग्रेस ने तहरीर देकर मांग की है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया जाए कि भारत को 2014 में आज़ादी मिली और 1947 में जो मिला वो भिक्षा था। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली पहुंची महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने तहरीर देते हुए कंगना के कमेंट को देशद्रोही और भड़काऊ करार दिया है। एक्चुअली कंगना रनौत जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी अदाकारा हैं, उन्होंने इतनी गलत बयानबाजी की है हमारे महान पुरुषों के लिए और जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं उन लोगों के लिए, और हमारी महिलाओं ने इतनी कुर्बानी दी है और एक महिला होने के बावजूद अपना मानसिक संतुलन वो खो चुकी हैं और वो कह रही हैं कि देश जो आज़ाद हुआ है वो 2014 में हुआ है, वो तो 2047 में तो इनको भीख मिली थी। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपनी इतनी चमचागिरी ना करें और इतने मदहोश ना हों, क्योंकि वो भी एक महिला है। और कितनी महिलाओं ने हमारे देश आज़ादी में शहादत दी है, कितनी औरतें हमारी विधवाएँ हुई हैं, कितनी सैनिकों की पत्नियाँ बेचारी बैठी हुई हैं। तो वो इस तरीके की जो गलत बयानबाजी करी है उसी के तहत में हमने यहाँ पे सिविल लाइन इंचार्ज जी को एक तहरीर दी है। उत्तरकाशी में कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सजवाण ने पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि जब साल 2016 में 10-10 करोड़ के ऑफर मिल रहे थे और उसके साथ मंत्री पद मिल रहा था, तब कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ूंगा। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा कि आज जिस प्रकार से बीजेपी में गंगोत्री विधानसभा सीट से दावेदारों की लंबी भीड़ लगी हुई है, स्थिति यह है कि आज बीजेपी के पास गंगोत्री में कोई चेहरा नहीं रह गया है, इसीलिए कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल कर रही है। उनका आज हमारे जो टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं श्री चंदेल साहब जो एमपी रह चुके हैं, हमारे दूसरे प्रभारी मंगलेश जी हैं, आप सब से मौजूदगी में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में मिशन 2022 का संन्यास की हमने आज यहाँ पर घोषणा करी है। हम निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जो मुद्दा, जो माहौल है, जो इनकी विफलताएं हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, किसानों के कर्जों का माफी का मामला रहा हो, बार बार मुख्यमंत्री को बदलने का मामला रहा हो, नौकरियों में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर इनकी विफलताओं को,
विफल सरकार की विफलताओं को लेकर, हमारी सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य जो हमारी सरकार के द्वारा करवाए गए, जो मेरे द्वारा उस समय ओबीसी का यहाँ पर इस क्षेत्र में गुमतिर विधानसभा को ओबीसी करवाने का मामला रहा। मुझे जनता का रुख आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही सकारात्मक दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना ढंग से सरकार चलाई है, प्रदेश को हर कुछ महीनों के बाद नया मुख्यमंत्री देखने को मिल रहा है, लोगों को लगता है कि हमने किस पर भरोसा किया, और इसलिए लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से जो महंगाई और बेरोजगारी की मार प्रदेश और केंद्र सरकार ने चलाई है, इस सब का करारा जवाब प्रदेश की जनता 2022 में भाजपा को देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।